उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक और नवजात बच्चे की गई जान। प्रसव के दौरान बच्चे की हुई मौत, महिला की हालत बिगड़ी। समय से नहीं पहुंचे CHC में डॉक्टर, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए आरोप। डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की गई जान। महिला CHC अस्पताल में पुरुष डॉक्टर करते हैं उपचार। परिजनों की सूचना पर CHC पहुंची पुलिस। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आए दिन होती हैं घटनाएं। रसूलाबाद सौशैया CHC का मामला। CHC रसूलाबाद में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ बात हो गई, क्या घटना हुई? CHC रसूलाबाद में 10:30 बजे हमारे भाई, हमारी भाभी को डिलीवरी होना था, उनको लेकर के आए। अस्पताल में उस समय कोई भी जिम्मेदार शख्स मौजूद नहीं था, कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। स्टाफ के कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने कुछ दवा लिखी, वो दवा लेकर के आए, जिसकी लापरवाही के चलते जो हमारा भतीजा हुआ वो कहीं ना कहीं मृत हो गया है, जिससे हमको बड़ा खेद है। और यहाँ पे 6-7-8 हमें लगता दर्जनों पेशेंट यहाँ पे मौके पे मौजूद थे। जब हम जैसे लोगों के साथ में इतनी घोर लापरवाही हो रही है, स्टाफ के लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं, किसी को समय की अपनी परवाह नहीं है, तो और आम जनमानस के क्या हाल होंगे। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जो समय निर्धारित है उस समय निर्धारित के आधार पर कम से कम कर्मचारी लोग आएँ। आज हमारे भतीजे की जान गई है, न जाने कितने लोगों की, ऐसी सैकड़ों लोगों की जान पर जाती होंगी। सरकार जो सुविधाएँ दे रही है तो उस सुविधाओं का आम जनमानस को लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या डॉक्टर मौजूद नहीं थे यहाँ पर, क्या समस्या आ गई? कोई भी डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं था। 10:30 बजे हमारा पेशेंट यहाँ पे एडमिट हो गया, 11 बजे तक कोई भी यहाँ पे हाजिर नहीं हुआ। तब मैंने जा कर के प्रगणाधिकारी महोदय को फ़ोन पे सूचना दी, उन्होंने जब अधीक्षक से बात की तो अधीक्षक साहब 15 से 20 मिनट के बाद में महिला अस्पताल में आए, और वो कहने लगे कि यहाँ पे तो हम मौजूद थे, आप बताइए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।